അരക്ക. क्या बच्चा बच्चा ऐसे बोलते थे 11 कर लिए इन्होंने. मान जाओ ना प्लीज. नहीं 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 मान जाओ. अरे नहीं मानने वाला बात गलत. मान जाओ ना प्लीज. नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे. बस कह दिया नहीं मानेंगे. मान जाओ ना. अरे नहीं नहीं मानेंगे. अर्चना जी मैं सुबह से कह रही हूँ मान जाओ ना मान जाओ ना. ये मान ही नहीं रहे आप. कौन है मान जा यार बच्चा. ये कह रही है कि सिद्धू जी को वापस लाओ. भाभी बच्चा ये क्या तुम लोगों ने शोर मचा के रखा है. सोने भी नहीं दे रहे. किस बात पे लड़ रहे हो. इस आदमी को सब पता करना होता है. यार कपूर शर्मा क्या है कि अंग्रेज जब हमारा देश छोड़ के गए थे ना. हाँ. तब जाते जाते वो गलती से फ्लश करना भूल गए थे. हमारे बीच में वही झगड़ा चल रहा है कि अब ये फ्लश करे तो करे कौन. फ्लश खाना पीना टॉयलेट इन सब के अलावा आता तेरे को कुछ और. आ गया. आता है. मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे घर में ना आज मेहमान आने वाला है. एक और. अरे एक और. हाँ? नहीं नहीं मुझे पहले ही शक था. जितनी बारिशें हुई है ना इस साल ये बंदा चुप बैठ ही नहीं सकता. अरे नहीं देवर जी हमारे घर में बस्सा नहीं आने वाला. हाँ? अरे मेरी बहन आने वाली है. अच्छा. लेकिन मैं बता दूं कि मेरी बहन ना पढ़ाई खत्म करके यहाँ आ रही है और ये मान ही नहीं रहे. कहते हमारे घर में रह ही नहीं सकती. तो ये बच्चा जी क्यों नहीं मान रहे उस पे दो पंक्तियां हम अर्ज करना चाहेंगे. इशा. हाँ. कि ये जो हमारी साली है नहीं रहेगी हमारे घर में. वाह. ये 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 जो हमारी साली है ये नहीं रहेगी हमारे घर में क्योंकि घर में जगह ही नहीं है. ये तो मिश्रा मिला ही नहीं. तो जब घर में जगह ही नहीं है तो मिश्रा कहाँ से मिलेगा यार. और गलती से अगर मिश्रा मिल भी गया ना तो अपनी इस बहन को मिश्रा के घर पे ठहरा देना क्योंकि ये यादव जी तैयार नहीं है. और कितना तैयार. तूने धोती पे साड़ी लगानी है. कितना तैयार होना तुझे. और यार कभी तो आदमी को बिना साड़ी बिना सिंदूर बिना चूड़ी के इमेजिन कर लिया करो. सब आदमियों को साड़ी सिंदूर चूड़ी वूड़ी पता नहीं क्या शौक है यार. शौक है. अगर मर्द तुम्हारे जैसा हो ना तो चूड़ियां ही पहन लो. यार कौन सा ऐसा जीजा होता है जो अपनी साली को घर में ना रहने दे. देवर जी आप इनको समझाओ ना कुछ. बजट तेरे पास कितने. 3-4 कमरे हैं. 5-5 ये दे दे एक साली को. तेरा क्या जाता है. तो ऐसे तो दोस्त हमारे पास 3-4 गालियां भी हैं. दे दो आपको एक. कुसुम तू आ गई. हाँ? इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आई है. अरे ये मेरा सामान नहीं है इनका है. इनको भोपाल जाना था तो मैंने कहा मेरे साथ चलिए मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगी. तो भोपाल किधर है. अरे वो मुझे नहीं पता. मैंने आपको कहा था कि मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगी तो ये रहा रास्ता और मैंने छोड़ दिया. अरे बड़ी अजीब लड़की है यार. चलो यहाँ से. बेचारे. अरे जीजा जी. जीजा कैसे हैं? और ये क्या आप तो जीजा से झिल्ला बन गए. देखना कहीं आगे जाकर नगर ना बन जाना. हाँ. देखा ये लीजिए जीजा जी हमने आते ही आपके पिटारे से एक जोक मार दिया. ये जोक है. जोक ये होता अगर तुम कहती कि देखे जीजा जी आप नगर तो बन गए हैं अब गलती से सोनू निगम के पास मत जाना कहीं आप नगर निगम ना बन जाए. इसे कहता है जोक. बच्चा जी एक मिनट
अगर आप नगर हो गए हो ना तो दिल्ली के पालिका बाजार में मत जाना, वरना आप नगर पालिका हो जाओगे। इसे कहते हैं जोक्स। यार कप्पू शर्मा, तुम ही बताओ यार किसका जोक जो है वो बेस्ट था, क्योंकि हमने गौर किया है कि तुम्हारा कॉमेडी बना ठीक ठाक चलता है हाथ। देख बच्चा, इन दोनों को तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ऑब्वियसली, और हम जैसा तगड़ा आदमी सामने खड़ा है, तुम हमें भी कुछ नहीं कह सकते। तगड़ा तो बहुत है ये। आपको पता है इसकी जब शादी हुई, इसकी घोड़ी आधे रास्ते कहती अब तू मुझे बिठा अपने ऊपर। कर लिया था कि अगला दामाद हम तौल के लेंगे। एक मिनट यार, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी ये बहन बाहर से पढ़ के आई है, ऐसा बाहर से पढ़ के आई है? यूपी से पढ़कर आए हैं हम। हाँ, और हम पंजाब से हैं, यूपी हमारे लिए बाहर ही होता है, समझे? करिया बताइए कि यहाँ पर आई क्यों हो? हम ना मराठी सीखने आए हैं। क्यों मराठी सीखने का क्यों जरूरत है तुम्हें? अरे बम्बई में रहने के लिए मराठी आना जरूरी है ना। अरे तो मुंबई में रहना ही क्यों है? अरे बोला ना मराठी सीखने के लिए। और दीदी एक खुशखबरी है। क्या? अगले हफ्ते ना हमारे माँ और बाबूजी यही आने वाले हैं। सिर्फ माँ बाबूजी से काम नहीं चलेगा, पूरे गांव को लाओ ना। सबको लेके आओ, अपने ताऊ बुआ फूफा, जिला परिषद सरपंच, जितने लोग हैं गांव में ठूस दो हमारे घर में। यहाँ पर हमारा क्या है, हम तो बगल में जंगल है, पेड़ पे चढ़ के अपना घर बसा लेंगे, हमारा तो चल जाए। लेकिन मैं आम के पेड़ में ही रहूंगी। आम के पेड़ पे? हाँ जी। भाभी आम के पेड़ पे रह रही है, तू इधर एक चमगादड़ शिफ्ट हुआ है। उल्टा तो तू लटक ही लेती है, तू उस पे शिफ्ट हो जा। अरे मेरी बहन आई, इतने टाइम बाद इसके साथ बातें तो करने दो, कैसी हो कुसुम? दीदी यार आपको इतना बड़ा शो मिला है, आप ना ज्यादा बातें मत किया करो, क्योंकि ना सोनी का नुकसान होता है। आप ना कॉमेडी ट्राई करो। सामान कहाँ है? उठा और दफा हो जाए यहाँ से। दीदी हम पंजाब से आए हैं, यहाँ पंजाब से जो भी आदमी आता है ना वो आ जाता है, वापस नहीं जाता है। ये बात तो है कि नहीं? दीदी दीदी दीदी, आज से आपका रूम मेरा रूम और मेरा रूम आप साफ रखना, क्योंकि गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ए, तुम्हें नहीं मिलेगा मेरा रूम, ओके? Because I like my personal space. ओ मेरी बात सुन, ये अमीरों मीरों वाली बातें तेरे को बताता कौन है? पर्सनल स्पेस, उस दिन भैंस के नीचे खड़ी होकर बोल रही, अरे फ्लाईओवर कब बन गया? कौन सी पर्सनल स्पेस? बोलो, देखो तुम्हें मेरा कमरा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी यादें जुड़ी हैं अपने कमरे के साथ। बता तो सही कौन सी यादें जुड़ी तेरी? छिपकली की पूंछ पे धागा बांध के थी, मेरे को भी दीवार पे चढ़ाओ मेरे को। और मत क्या करिए सर। बच्चा एक बात बताओ, ए भाभी तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी करके ये सब कर रहे थे बाद में? देखो भूरी, तुम अपना कमरा ना कुसुम को दे दो और कुछ दिनों के लिए तुम जाके छत पे मच्छरों को कंपनी दो, जाओ। एक मिनट, मैं तो कहती हूँ कि ना हम कुसुम को रूम कच्चा का दे देते हैं। कच्चा का? हाँ। अरे नहीं, अरे नहीं यार, भाई आ गया। अरे हम थोड़ा देर के लिए स्कूल क्या गए, मतलब इन्होंने तो कमरे चेंज कर दिया। हम ये कच्चा यादव का कमरा है, कोई सोशल मीडिया का वीडियो नहीं जो कोई भी शेयर कर देगा। वाह वाह, एक बात आप सब लोग कान खोल कर सुन लीजिए, पहले ही कच्चा यादव अपने कच्चे के सिवा कुछ शेयर नहीं करता, ठीक है? तुम अपना कच्चा किसके साथ शेयर करते हो भाई? आपके साथ पिताजी। अरे
कहाँ हम कहाँ तुम, हमारा कच्चा तुम कैसे पहन सकते हो? अर्चना जी देखे, इनके कच्चे में दो टांगे होती हैं, तो एक टांग हम एक दिन पहनते हैं, दूसरी टांग दूसरे दिन पहनते हैं, उसके बाद उसे उल्टा करके पहन लेते हैं, ऐसे हमारे चार दिन निकल जाते हैं। बच्चा शुक्र है तेरी तीन टांगे नहीं, नहीं तो उसका हफ्ता निकल जाता। और बेटे, और तुम अपने अपने पापा का कच्चा पहनते क्यों हो? बीच में दीवार खड़ी करके उसका फ्लैट बनाओ। हमने सुना है कि जब पिताजी की चप्पल बच्चे को फिट आती है तो दोस्त हो जाते हैं, लेकिन आपका कच्चा हमें फिट आता है, तो आप हमारे क्या हुए बताइए? क्या हुए? लंगोटिया दोस्त। इसलिए हम कहते हैं अपना पिटारा का जो जॉक्स है ना, पहले हमें सुनाया करिए, हम और फनी कर देंगे उसे। ए कच्चे, ये सब छोड़, ये तुम्हारी कुसुम मासी है, आज से तुम्हारे कमरे में सोएगी, ये मिलके रहना, हैव फन। ये मौसी है, इससे अच्छा बिल्ली मौसी ले आता, हम खुदी खुदी रख लेते। ये पहला चूहा देखा है जिसे बिल्ली का खौफ नहीं है। ए, हट बे, कुचला जाएगा। कुचला जाएगा। खबरदार, अगर मेरी फैमिली के किसी प्राणी को एक आ, वरना इसका बी करूंगी ना कि सी लेके घूमते रहोगे। आए बड़े। ए कुसुम, चल तू अंदर। नहीं नहीं, एक मिनट, हमने कहा ना ये हमारे घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, बस। ये नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। तो फिर मैं भी नहीं रहूंगी, मैं भी इसके साथ जा रही हूँ। हाँ, और इसके साथ साथ ये भी निकलेगी फिर। अरे मैं सामान पैक करके आया तुम्हारे। हाँ चलो। मुझे यहाँ से निकालने की बड़ी जल्दी है तुम्हें। सोनी टीवी ने कहा 100 एपिसोड हो गए, हल्की सारी चीजें निकाल दो, तो उस हिसाब से। ए बुरी, हम अब एक पल भी यहाँ पे नहीं रुकेंगे, चल, हमारा भी कोई सम्मान है, चल चल। दीदी, हमारा सम्मान है, लेकिन सामान कहाँ है? जो भी है जीजू का है। ओ है जीजू, इतने प्यार से बोल रहे हैं, रोक लीजिए ना। इतना प्यार से मत बोलो, हम खुद को ही नहीं रोक पाएंगे। मैं दीदी को रोकने की बात कर रही थी। अरे अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? और वैसे भी जाने से पहले एक बात कान खोल के सुन लो। अगर मैंने आपके कान खोल दिए तो आप सुनोगे कहाँ से? कहाँ से? अरे जो कह रहे हैं उतना सुनो। देखो, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन ट्रेन के बाहर अपना हाथ मत निकालना। हाँ, दिस इज अ ओ मोमेंट। अच्छा, ओ आपको मेरी इतनी फिकर है? जी नहीं, फिकर बिल्कुल नहीं है। पिछली बार ट्रेन के बाहर तुमने हाथ निकाला था, दूसरी ट्रेन का इंजन पलट दिया था तुमने। बी केयरफुल। तो सोचो बच्चा जी, अगर मैं ट्रेन के इंजन का ये हाल कर सकती हूँ, आप तो फिर भी ट्रक हो। आपको उठा के ऐसा पटकूंगी ना कि याद रखोगे। आए बड़े। क्यों पटकोगे? ऐसा क्या कर दिया क्या हमने? भाभी, ये ऐसी ऐसी बातें करता ना भैंसियों के साथ, मैं आपको बता नहीं सकता। कैसी कैसी बातें? उस दिन एक भैंस को कह रहा था, मैंने सालों तुम्हारा गोबर उठाया, अब तुम मेरा उठाओ। ये भैंस का सेम रिएक्शन था। मुझे क्या, मुझे किसी की फैमिली में थोड़ी ना बोलना है। आप लोग लड़ो मरो, मैं तो जा रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, किसी की फैमिली में नहीं बोलना। अब आपको रियलाइज हुआ, सामने देखो भैंसिया है। अब चल हट, पीछे भी तो भैंसिया है। बच्चा जी, इससे पहले कि मैं आपको निकाल दूं, आप कोई रास्ता निकाल लो फटाफट। देखो एक है, रुके रुके, एक रास्ता है, ये देखिए, एक रास्ता है हमारे पास। इन दोनों में से कोई एक रुकेगा, ठीक है? हाँ, अब सोच विचार कर लीजिए कौन रुकेगा। तो सोच विचार कर लिया, ये दोनों रुकेंगी, चल फुट यहाँ से। अरे अपने बच्चे को। वाह मम्मा वाह,
ये थप्पड़ आपने यहाँ मारा ना, यहाँ नहीं यहाँ लगा, यहाँ यहाँ लगा, यहाँ। अच्छा मतलब यहाँ नहीं लगा, ये ले। अरे देख रहे हैं बापूजी? नहीं हमने को नहीं दिखाई दिया, एक और मारो। खैर जो भी हो, ये कुसुम किसी भी हाल में यहाँ नहीं रहेगी, ठीक है? हम हाल में रहने भी नहीं आए हैं, हम तो कमरे में रहने आए हैं। वो भी तुम्हारे, क्यों जीजू? छुटंकी है? आज ये पिताजी हमारे जरूर है, लेकिन हमारे कमरे के सारे फैसले हम ही लेते हैं। जो भी हो, मैं यहाँ रुकूंगी या नहीं रुकूंगी, इसका फैसला जीजू मैं आप पे छोड़ती हूँ। ओ सॉरी, इसका फैसला मैं कच्चा तुम पे छोड़ती हूँ। क्योंकि इस घर में सिर्फ तुम्हारी तो चलती है, तुम ही तो इस घर के मुखिया हो, सब कुछ। एक मिनट, ये घर का मुखिया किसने कहा है? अरे इसने ही तो कहा था कि घर में सिर्फ इसकी चलती है। पता है, ये तो ये भी कह रहा था कि हमारे जोक्स तो हमारे पिताजी के जोक्स से ज्यादा फनी होते हैं। ये सब मैंने सुना है। वाह बेटा वाह बेटा, ये जो तूने बात कही है ना, वो हमें यहाँ नहीं, यहाँ लगी है। पिताजी गोविंदा जी का डायलॉग। हाँ जब बेटा बहुत ज्यादा कृष्णा बनने का कोशिश करेगा तो बाप को गोविंदा बनना ही पड़ेगा, ताकि दुनिया को भी पता चले कि असली कौन है और नकली कौन है। और सुनो ओ कुसुम, तुम हमारे घर में रहोगी और तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। अरे यार ये क्या बात है, अरे बड़ी मुझसे कुछ कही नहीं, बड़ों के बीच में मैं नहीं बोलती, इससे अच्छा कुछ फने बोल देती। दो और दफा हो जाए यहाँ से। अरे यार ये क्या, अरे माँ देवी माँ, मुझे जन्म देने वाली देवी माँ, कुछ तो बोलिए ना। मैं तो यही कहूंगी बेटा, दफा हो जाए यहाँ से। चलो चलो हो गया, निकलो, चलो हो गया, आ जाओ आ जाओ, आज कुछ अरे जाओ, चलो बंद करो दरवाजा, जाओ जाओ तुम उधर जाओ, बंद करो बंद करो, नहीं नहीं तुम नहीं आओगे। ये तो खुला है, जा रहा हूँ। देख रहे हैं हमारे तमाम दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको भी। अर्चना जी, आजकल हमारे देश में बहुत सारे हिस्टोरिकल फिल्में बन रही हैं, जिनसे हमें हमारे इतिहास को और अच्छे से जानने का मौका मिल रहा है। इसी कड़ी में एक वीर मराठा योद्धा के ऊपर बनी फिल्म है तानाजी, और आज इसी फिल्म की स्टार कास्ट हमारे शो पे आज हमारे मेहमान है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इन्वाइट करना चाहूंगा फिल्म में तानाजी का किरदार निभा रहे एक्टर प्रोड्यूसर और सुपरस्टार मिस्टर अजय देवगन, और साथ में तानाजी की पत्नी सावित्री बाई जी का किरदार निभा रही है एक बहुत ही बेहतरीन और हम सबकी फेवरेट काजल। ओहो अजय सर, काजल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं साथ में। थैंक यू, कलर कोऑर्डिनेटेड भी हैं। हाँ एक्चुअली और एक बात के लिए और ताले बनती है, ये तानाजी जो है अजय सर की 100 फिल्म है, और सर बहुत बहुत मुबारक। और आपको भी मुबारक हो, आपके भी 100 एपिसोड पूरे हो गए सर। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अच्छा कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं देखिए आप। बोल। अजय पाजी का बर्थडे 2 अप्रैल को होता है। हाँ। मेरा भी 2 अप्रैल को होता है। हाँ। अजय सर की 100 फिल्में पूरी हो गई। हाँ। मेरे 100 एपिसोड पूरे हो गए। हाँ। मैं भी आज इस शो पे आया हूँ, आप भी आज इस शो पे आए हैं। मैंने नोटिस किया आप मेरे काफी बड़े फैन है, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ आप, मुझे लगता है ऐसे शायद आप मुझे फॉलो करते हैं कभी कभी। बेटी पहली मेरी आई है। लव यू सर। लव यू टू।
आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सर। अरे सर, अपनी 100वीं फिल्म के लिए ये सब्जेक्ट का ख्याल कैसे है आपके मन में? यार मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरी 100वीं फिल्म है। अच्छा, ये तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ एंड आई एम लकी कि ये मेरी 100वीं फिल्म है, बिकॉज ये एक इतिहास के इतने बड़े एक हीरो की फिल्म है जी। तो हमने एक सीरीज शुरू किया है अनसंग वॉरियर्स जी, बिकॉज वी हैव वॉरियर्स ऑल ओवर द कंट्री। देश तो एक ही है, तो कोई पंजाब से होगा जी, जैसे हरी सिंह नलबा हो गए, या जी हर जगह वॉरियर्स हैं। तो वी विल कीप मेकिंग दिस सीरीज। ओह दैट्स अमेजिंग। वाओ। अच्छा, 1670 में बेस्ड है कहानी, और बड़ा मुश्किल होता है उस समय का वो एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट करना। सर कितना मुश्किल होता है एक्चुअली पीरियड फिल्म बनाना? एक्चुअली काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हिस्ट्री जब तब की लिखी गई है, उसके बाद कई लोगों ने बदलने की कोशिश की, सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी, तो काफ़ी होमवर्क करना पड़ता है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर आपकी अपनी इमेजिनेशन चलती है, क्योंकि कई चीज़ें जो है हिस्ट्री में जब आप पर्दे पर दिखाते हैं तो जी पूरा तो है नहीं वहाँ पे, राइट। और वो जब आप अपना जैसे कपड़े हो गए, ये हो गया, तो आप जब इमेजिन करते हैं तो उसको इतना आपको ध्यान रखना होता है कि यू हैव टू बी ट्रू टू राइट व्हाट वाज देयर, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। और वो मेहनत का फल दिख भी रहा है सर, बहुत प्यारा लग रहा है ट्रेलर, बहुत ही कमाल का। अरे मैंने देखा अजय सर को एक्शन करने में ना बड़ा मजा आता है, खुश हो जाते हैं ऐसे। मैं हर बड़ी फिल्मों में ऐसे देखा, इसमें भी आप पहाड़ से कूद रहे हैं, पर सर मैंने सुना शिवाय के टाइम पे कान छिदवाने में आप इतना डर गए थे, ये सही बात है सर कि अफवाह है? यार एक्शन बचपन से करते आए हैं तो डर नहीं लगता, कान पहली बार छिदवाए ना। हाँ। दर्द होता है सर कान छिदवाने में? नहीं एक्चुअली नहीं होता, बट वो टच करके हो जाता है, जो आइडिया थॉट है वो ऐसे लग रहा था शायद दर्द होगा, शायद दर्द होगा, हुआ नहीं। ओके वेरी नाइस, तो ये बड़ा जरूरी सवाल था ये। सर एक और सवाल था बड़ा जरूरी, कि ये जो कल कोऑर्डिनेशन हुआ है ये कोइंसिडेंस था कि मैडम की चॉइस थी? देखिए सब पतियों को ये जानना चाहिए कि बीवी जो होती है ना, उनकी आंख पीछे भी होती है, साइड पे भी होती है, सामने भी होती है, वो सब कुछ देख सकती है एट ऑल टाइम्स इन दिस थिंग। सो उनको पता नहीं था लेकिन मुझे पता था। लेकिन इनको इनको कोई समझाए कि कहाँ कहाँ आंख होती है, पतियों को पता होता है और वही एक ब्लाइंड स्पॉट पे काम करते हैं, जाने नहीं कर रहा था। काजल मैम, अभी कुछ समय पहले अजय सर की फिल्म आई थी दे दे प्यार दे, जिनमें इनकी वाइफ तब्बू बनी थी, और बीवी होने के बावजूद भी अपने से 20 साल छोटी से लड़की से इश्क फरमा रहे थे। बोलना क्या जा रहा है? कुछ नहीं बोलना चाहता मैं, मेरा कहने का मतलब ये कि ये सोच के इसलिए आप खुद नहीं बीवी बनी कि इस बार मैं ही बीवी बनती हूँ, देखती हूँ कि फोकस कैसे हटता है, मतलब उस हिसाब से कैरेक्टर ही बदल गया ना उसके बाद, इसलिए लड़ाई पे निकल गया वो। ये एक अर्चना जी का सवाल था काजल मैम। हाँ। कह रही थी जैसे अजय सर इतने खतरनाक स्टंट्स करते हैं, जब बॉलीवुड में एंट्री हुई थी दो मोटरसाइकिल पे हुई थी। हाँ। तो कहते जब शादी पे ये बारात लेके आए थे एक घोड़ी पे आए थे कि दो घोड़ी पे? मैं बारात लेके आए नहीं है, घोड़े बैठ के नहीं गए थे आप? नहीं, घर के कमरे से निकला, बाहर शादी की, वापस कमरे में। अच्छा, पर ऐसा क्यों सर, आपको शर्म आती थी ऐसे घोड़ी बैठने का? नहीं, घोड़ी मिली नहीं। अच्छा, मेरी शादी में भी ऐसा हुआ था सर, हमने घोड़ी बड़ी मंगवा तेरी, तेरी शादी में घोड़ी ने मना कर दिया होगा। एक्चुअली थोड़ा सा हुआ था पहले ना, वो बोलते कि घोड़ी पे चढ़ना चढ़ना, तो बात इतना लेट हो गया वहां पे, तो मैंने सोचा यार रहन देते हैं ऐसे ही, क्योंकि अंदर ही था, बाहर भीड़ बहुत थी, मैं कहा चलो यार घोड़ी आई हुई काफी देर से, दो मिनट बैठ जाते, तो घोड़ी कहती नो, उसने कर दिया था मना। लड़कियां तो मना करती करती, कपिल तेरे को घोड़ी ने भी मना कर दिया। आपका बताऊं आप कैसे आते हो यहाँ पे? मैं अजय सर को नहीं पता ना, अजय सर मठ से आती ना, बाय रोड आती है तो ट्रैफिक बड़ी मिलती है, तो इन्होंने दो छोटे मगरमच्छ पाल रखे हैं, तो अभी वो बड़े हो गए हैं, तो ये मठ की अजय देवगन एक्चुअली, दो मगरमच्छ पानी में डाल के ना उसके ऊपर ऐसे ऐसे आती है। चलो कहीं और फिर तो इनको भरोसा नहीं है, ये भी नहीं है कि मगरमच्छ मैं छोड़ के आऊं, उनको निकाल के निचोड़ के पर्स में डाल देती है के लिए। वापसी के लिए। मैं अजय सर की खूबियां जो बताता हूँ, आप लोगों ने अजय सर को हमेशा फिल्मों में एक्टिंग करते देखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अजय सर एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, डबिंग और एड्स करते हैं, इनकी कंपनी है जो विजुअल इफेक्ट्स के काम करती है, और इनके खुद के थिएटर्स भी हैं। जोरदार तालियां।
हमने तो नारा सुना था कि सबका साथ सबका विकास, ये आपने खुद का नारा बनाया कि अपना ही साथ अपना ही विकास। इतने सारे काम हाउ? पहले इंग्लिश में मत पूछना। मुझे एक बात बता, तेरे 103 एपिसोड हो गए। जी सर। तूने किसी को यहाँ आने दिया? यही खड़ा ना तू, चिपका हुआ है। तू क्यों नहीं सबका विकास कर रहा? विकास हुआ ना अर्चना जी का, हुआ है। बस। लाके बिठा दिया उधर। हाँ तो इस चक्कर में एक और आदमी का नुकसान हुआ ना। अच्छा आप सबको मैंने अभी भी काम गिनाया सर के, ये काम तो सब करते ही हैं, एक और काम भी करते हैं, ये डॉक्टर भी हैं। विश्वसनीय सूत्रों से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी सर, आपके बारे में ये अफवाह कि अजय देवगन साहब को आपने अपना फैमिली डॉक्टर रखा हुआ है। बिल्कुल सही है। कैसे सर? उसको जो नॉलेज है ना, अच्छा दवाइयों का, अच्छा और होम्योपैथी का। अच्छा होम्योपैथी। एक तो मेरा छोटा भाई है, ऊपर से मेरा मैं डॉक्टर ही बोलता हूँ। अच्छा। डॉक्टर अजय। और स्पेशली उसके पास एक दवाई है, पर रात को जरा 60-90 ज्यादा हो गए तो उसके 6 ड्रॉप पियो तो सब ठीक हो जाता है सुबह। अच्छा होम्योपैथी दवाई? हाँ होम्योपैथी। जरा देना मेरे को सर। और किस किस तरीके के इलाज कर लेते हैं आप सर, और कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं आपके क्लाइंट्स? ये मेरे ज्यादा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, जितने ज्यादा पीने वाले हैं ना सर। उनकी तकलीफ मैं दूर करता हूँ, क्योंकि मैं ये तकलीफ बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। तो सर वो अर्चना जी बोली थी एक शीशी, उनको भी तो नहीं। मैं मतलब मैम आपकी जब तबीयत खराब हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाती हैं कि डॉक्टर साहब खुद ही काम आ जाते हैं? डॉक्टर है। हाँ हम लोग दोनों ने एक बोर्ड रखा है हमारे घर के सामने, लेकिन बट सीनियर डॉक्टर यही है। अच्छा। बाबा जी अजय देवगन, वो बाबा जी अजय देवगन, बाबा जी वो दवाई के साथ एडवाइस भी देते हैं फ्री में। अच्छा। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, अगर आप जाओगे बाबा जी से पूछने के लिए, तो बाबा जी के पास एक वन लाइन आंसर भी है उसके साथ, और उसके साथ दवाई भी दे देते हैं। अच्छा ये गोली लेना और ये एडवाइस भी ले लेना साथ में। My God, man. AJ! AJ! AJ, AJ! AJ, AJ! Yes, sir. Well, sir, मैं बोल रहे हैं कि लाइफ में जब भी क्रिकेटर सेंचुरी बनाते हैं तो हमेशा ऐसे चीयर करते हैं, राइट? सर आपका सेंचुरी पूरे हुए, आज तो चीयरिंग बनते हैं। आपने पासपोर्ट कब बदला था? मेरा नाम अक्षय यादव है, इधर एक बच्चा यादव रहते है, मैं उसको बाई है। मैं लंदन से आई है। Yes, sir. और ये चड्डी तुमने आइसक्रीम वाले से मंगवाई है? आइसक्रीम रंग का कच्चा मैंने पहली बार देखा है। It's so cute, yeah. क्या करे यार सर, मैं आपके बहुत बड़े फैन है। बहुत बड़े देख ही रहा है सर। मैं देखे आप एकदम शुरुआत में ऐसा दो बाइक के ऊपर खड़े होके शुरुआत किए थे, पर देखिए प्रभु का अनुपम कृपा से उसके बाद आपके पास गाड़ी 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 हो गए, और इतना सारा गाड़ी हो गए कि रोहित शेट्टी के साथ मिलके आप गाड़ी उड़ाने भी चालू कर दिए। लेकिन सर आप अकेले इधर नहीं उड़ाते, इधर ये अर्चना जी भी उड़ाती है। इन्होंने क्या उड़ाया? इन्होंने सिद्धू जी को उड़ा दिए। वैसे मैम आपसे एक बात पूछने थे, आपको पते है कि एस्केलेटर जो होते हैं मॉल में रहते हैं और एयरपोर्ट पे रहते हैं, उनका हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आपको तो सबसे ज्यादा पता होने चाहिए क्योंकि ये चीज आप ही इंट्रोड्यूस किए थे। एस्केलेटर को बोलते हैं मैं ठहरी रही जमी चलने लगी। She has to know that. Matera, some beach. Yeah, sure. It's so cool. Yeah. Like in, sir, आप upper run film किए थे? तो sir मैं जानना चाह रहे थे उसके लिए आपको fees मिले कि फिरौती मिले? ऐसा ही काली.
पूछ लिए सर, मेरे को ऐसे अच्छे लगते हैं बोलने के, लेकिन सर मैं आपको देखते मेरे को इतना मतलब मैं क्या बोलेंगे, आपके आंखों में एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, कपूर शर्मा, हाँ। वो अमेरिका का साइंस सेंटर कौन सा है जिधर ज्यादातर इंडियन लोग काम करते हैं? नासा। नासा, आपके आंखों में एक नासा है। नासा। मैं बोल रहे हैं कि ऐसा नशीले आंखों को देख के इंसान मतलब आप भी आई एम श्योर एकदम वो हो जाते होंगे, क्या बोलते हैं उसको, ये किधर रहते हैं, कहां से आते हैं? मड से, मड से, मड से, मड से। और घोड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉर्स। हॉर्स, मड हॉर्स हो जाते होंगे इनको। ऑब्वियसली ऐसा आंखों में देख के तो मदहोश हो ही जाएंगे, मदहोर्स ये है मैम। आपका फिल्म आए थे गुप्त, मैं आपको विचार करने के लिए एक ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं, अगर आपका फिल्म गुप्त चंद्रमा पे शूट हुए होते तो उसके क्या नाम होते? क्या होते? चंद्रगुप्त। सॉरी मैन। आई एम सॉरी मैम, बहुत रैंडम थिंग, मेरे को मेरा ऐसा ही सब हृदय से निकलते हैं तो मैं बोल देते हैं, लेकिन मैम मैं बहुत बड़े फैन है आपके, वो DDLJ, वो क्या फिल्म है, मैं मतलब इतना बार वो फिल्म को देखे, और वो रेलवे स्टेशन का जो सीन है, हाँ। जिसमें एकदम एंड में आप अपने फादर वो क्या बोल रहे हैं, आप वो प्यास का क्या बड़े है भाव, हाँ आप बोल रहे भाऊजी भाऊजी। भाऊजी बाऊजी में प्यार करती है, मैं जाना चाहती है राज के साथ, मैं देखे मतलब वो सीन देख के मेरा आंख से ये मोटा मोटा अंजुन्स निकले ना। क्या निकले? अंजुन्स। अंजुन्स निकल से रोते है जब क्राई करते है। वैसे काजोल जी, एक मैं आपको सलाह देने चाहते है, थिंग इज आपके साथ कुछ गलत हो रहे है। Really? क्या गलत हो रहा है? सर ने जो लास्ट फिल्म किए थे जिसमें आप नए थे, उसमें ये प्यार मांग रहे थे, दे प्यार दे, दे दे प्यार दे, अभी आपके साथ जो फिल्म कर रहे हैं उसमें स्वराज मांग रहे हैं। That, like, आप थोड़ा सा सर के ऊपर वो दीजिए, वो अभी वो कौन सा फसल आया है पंजाब में? धान। धान, थोड़ा धान दीजिए उनको। करने क्या आए हो यहाँ पे आप? मैं सर, मैं भी सेम चीज करने आए जो सर फिल्म में कर रहे हैं। क्या? आजादी का लड़ाई। किससे? मैं लंदन में रहते हैं सर, मैं लंदन को अंग्रेजों से आजाद करके रहे। अबे वो पहले से ही अंग्रेजों का है। उन लोग का है, हाँ। मैं वापस ले लेंगे। मैं उनके पास नहीं, वो हमारे जगह लिए थे, मैं उनके जगह ले, मैं क्या करेगी मैम सर, मेरा प्लान है, मैं इधर से ना 150 यूपी का लोग ले जाके उधर छोड़ देंगे, फिर मैं इधर से 100 आंध्रा का लोग छोड़ देंगे, मैं 20 बांद्रा का लोग छोड़ देंगे, फिर मैं इधर से और 100 दिल्ली का लोग उधर ले जाके छोड़ देंगे। और पंजाब के? पंजाब के लोग तुम इधर से छोड़ेगे तो मैं उधर ले जाके छोड़ेगी ना। सारा का सारा पंजाबी इधर दबा के बैठे है ये आदमी, मैं बता रहे हैं आपको, लेकिन मेरे एक बार मैं लंदन को आजाद करा देगी ना सर, उसके बाद मेरे जीवन का खाली एक ही लक्ष्य रहेगा। क्या रहेगा? इधर भिन्न भिन्न जो पंजाबी है ना, उनको मैं कपूर शर्मा शो से आजादी दिलाएगी। तो यहाँ कौन गुलाम है मतलब? ये दिनेश तुमको आजाद दिख रहे है? ये आदमी तुमको आजाद दिख रहे है? वो गिटार नया है गले में, बेड़िया है वो। यहां से मुझे बगावत की बू आ रही है। फांसी का पंदा लगा के बैठे है, मजबूरी में बैठे है सर, यहाँ पे एकदम मजबूरी में बैठे है। मैं बता रहे ये आदमी को ना इंडियन आइडल में जाने हैं, लेकिन ये आदमी जाने नहीं दे रहे हैं। दिनेश तुम मेरे को डी माइनर दो, मैं तुमको इंडियन आइडल दे गए।
और अगर बाई चांस उधर पहुंच के जजेस तुमको बोले कि तुम मुंबई नहीं आ सकते तो मायूस नहीं होने के, तुम पंजाब से है, कैनेडा का दरवाजा हमेशा खुला है तुम्हारे लिए। सर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए सर, मैं लंदन जाके सब ठीक कर देंगे, मैं 4 गुना लगान वसूल करेंगे उधर जाके, मैं अंग्रेज से अंग्रेज बजा देंगे। अबे ईंट से ईंट बजाना होता है, उधर जाके ईंट कौन ढूंढेंगे ब्रो। सॉरी मैम मेरे को फोन आए है, सर कैन आई टेक दैट इफ यू डोंट माइंड। यस सॉरी, मैं बहुत फेमस आदमी है तो मेरे को लोग, ओ नो, हॉलीवुड का मॉर्गन फ्रीमैन एक्टर है, मेरे को फोन कर रहे हैं, मैं बात करेगी। ये मॉर्गन, ए देखो ए, तुम मॉर्गन अपना गन अपना जेब में रखो, हमारे पास इधर देवगन है। ऑलराइट, और ये भी बता दे कि आपसे काफी ज्यादा बिजी मैन है, आप तो फ्री मैन है, आप फ्री रहो, इधर बहुत बड़ा बड़ा लोग आए, अभी डिस्टर्ब मत करो हमको, क्या ओके ओके ओके। ओ मैम ये बोल रहे हैं कि इनका भी पहला प्यार अधूरा रह गया, तो पूछ रहे कि करण जोहर पूरा करा देंगे। मैं बता रही है एपिसोड देखेंगे तो जरूर करा देंगे। बोल रहे शायद करा देंगे, चलो मॉर्गन मैं फोन काट रहे हैं। मैं सर मेरे को अभी जाने के रहेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं ज्ञान का बात फेल सकते हैं ब्रो? फेलिए जी, मैं कल ही बोलना चाह रहे थे कि सर आपको कभी नजर नहीं लग सकते। कैसे? क्योंकि काजल हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सर, मैं चलते हैं, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू, ऑलराइट, लव यू, या एंड यू लाइक इट सर, थैंक यू, या हियर ब्रो। अरे सर ये आपकी 100वीं फिल्म है, हमारे 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। मैम मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आपको उन बातों को सुन के नंबर देने हैं अजय सर को आउट ऑफ 100। सो अजय सर एज ए रोमांटिक पर्सन, एज ए रोमांटिक पर्सन, हाँ 100 में से कितने नंबर देंगी? 0। 0 खुद ही दे दे अपने आप को नंबर। व्हाई 0 सर? फिल्मों में तो बड़ा आप आंखों में आंखें डालकर रोमांस करते हैं, पैसे मिलते हैं। अजय सर एज ए आज्ञाकार पति, एज एन आज्ञाकारी पति, हाँ आज्ञाकारी पत्नी मैं हूँ, पता है कितनी शादियों पे और अवार्ड शो पे मैं गई हूँ इनकी जगह में। अच्छा फिर आई एम द गुड वाइफ इन दिस, यू शुड बी आस्किंग मी टू सिंग इट। सो अगेन 0 नंबर, डेफिनेटली। पहले 2 सवालों में 0 नंबर मिले आपको। हाँ ठीक है, अब इतने सालों के क्या बदल जाएगा। अजय सर एज ए प्रैंकस्टर, एज ए प्रैंकस्टर 100/100। अजय सर जिद के मामले में 100/100। जिद्दी है? जिद्दी है। ओके अजय सर झूठ बोलने में 0। ओह दैट्स नाइस, वाओ। अजय सर बहाने बनाने में 100/100। ये तो आपको भी पता होगा, कितनी बार आपने पूछा होगा उनसे कि सर प्लीज मेरे शो पे आइए, सर मैं बहुत बिजी हूँ, मैं शूटिंग कर रहा हूँ। घर पे बैठ के पैर ऊपर करके या शूटिंग कर रहा हूँ, मैं शूटिंग पे हूँ कपिल, मैं नहीं आ सकता हूँ। तबीयत खराब है मेरी। ओके एनिवर्सरीज बर्थडे ये सब याद रखने के मामले में वेरी बैड, वेरी बैड। ये याद दिलाती है, बच्चे कैसे हुए अभी तक आप, ऐसे कैसे? शुरू से पता है ना, याद नहीं रहता इसको। हाँ ये फॉर्मूला ठीक है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती जा रही है। बेस बना के रखो। ओके पैसे खर्च करने के मामले में 100/100। बैलेंस करना पड़ता है मेरा, मैं हाँ? भी तो कोई नंबर दूंगा नहीं, उनका बारे में हमें पता है वो बहुत अच्छी है। बाहर मिलना, शो के बाहर मिलना। अच्छा फिल्म तानाजी इतिहास से जुड़ी है, जो हमारा इतिहास है बड़ा ही कमाल कर रहा है, इतिहास में कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसे वाक्य हुए हैं
जिनसे हम आज भी सीख लेते हैं, आज भी इंस्पायर होते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि इतिहास का ऐसा कौन सा दौर है या ट्रेडिशंस है जो आप चाहते हैं कि ऐसा फिर से हो जाना चाहिए, तो आप अपने अपने विचार जो है रख सकते हैं आप। जी मैम, नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते कपिल साहब, कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास जी। मैं चाहती हूँ कि हिस्ट्री का वो दौर वापस आए जहाँ पे जो राजा महाराजा होते थे, हाँ जी, वो कैसे जो करप्शन करते थे उनको पीठ पे 100 कौड़े मारते थे। तो मैं चाहती हूँ कि वो दौर वापस आए जहाँ पे अभी तो मतलब काफी जो कुछ पॉलिटिशियंस है जो करप्शन करते हैं, जो सरकारी कामों में होते हैं वो करप्शन करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी ना सबके सामने नंगू पंगू करके फटके मार। बड़ा बहुत अच्छी बात कही आपने, थैंक यू, वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। थैंक यू मैम, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी, महिलाएं आगे आ रही हैं इस मामले में सबसे ज्यादा इतिहास को वापस दोहराने में। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किल्पा है। हाँ जी, किल्पा, शिल्पा, किल्पा, किल्पा, किल्पा। वाओ, ये नाम मैंने पहली बार सुना है। किल्पा यूनिक, यूनिक नेम नहीं है, यूनिक। इसका मतलब क्या होता है मैम? मुझे भी नहीं पता। जी किल्पा जी, मुझे हिस्ट्री का वो दौरा याद आ रहा है कि जब भी राजा के बहुत सारी रानियां थी। हाँ जी, तो वो दौर मुझे वापस चाहिए। क्यों जी? एक कोई ऐसा दौर नहीं था जहाँ पे रानियों के बहुत सारे 10-15 राजा थे? वो दौर आना चाहिए। नहीं, क्योंकि अभी के दौर में क्या हो रहा है जी, हस्बैंड वाइफ का जो शादी होने के बाद भी एक्सटर्नल अफेयर रहता है, हाँ जी, या कुछ भी रहता है, तो बाद में जब भी पता चलता है तो लेडीज का दिल टूट जाता है। हाँ जी, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी, वो एक दूसरे को साथ रहने के लिए रेडी नहीं होते, डाइवोर्स तक बात आ जाती है। तो? और तभी के टाइम में जब भी जो रानियां थी वो बहनों की तरह रहती थी। ये कमाल। पर वो रानियां आजकल नहीं होती ना, पर आजकल तो करके दिखाए कोई ऐसा, ऐसे ऐसे छाती पे चढ़ के तांडव करेंगी ना। Not to mention कि ये illegal है। ये illegal है। illegal की तरफ जोर जोर से बोलना। illegal है। illegal है। पर मैं illegal है। देखिए ये है तो वैसे गलत बात, पर personally मेरे को अच्छी लगी बात। हाँ। इस शो पे आप किसके साथ आए हैं? मुझे लगता है ये ना इनका षड्यंत्र है। पहले तो बोल लेंगी बेबी तुम ले आओ, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी कोई ऐसी है भी गर्लफ्रेंड, उसके बाद जब आएंगी ना फिर ये अपना असली रूप दिखाएंगी। चलिए बस ध्यान रखिएगा, मैडम को कभी हर्ट ना करना। बाकी नहीं तो शुक्रिया, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार रखना चाहते हो? जी मैडम। सर, मैं हिस्ट्री का वो दौर वापस लाना चाहती हूँ जब लड़कियों का स्वयंवर होता था। अच्छा, वो क्यों? तब 15 लड़के यहाँ खड़े कर दो, 15 लड़के वहाँ खड़े कर दो, उसमें से एक सिलेक्ट कर लो। और अभी तो बहुत टेंशन है सर। क्यों? अभी तो एक ही आता है, अगर अच्छा लग गया हाँ कर दिया, उसके बाद बाहर निकले कोई और दिखा रही ये वाला अच्छा था। ऐसे लेकिन उसमें अच्छा क्या था सर? उसमें अच्छा था ना, अभी क्या है, इतना टाइम पास है, पहले लड़कों से बात करो, उनको समझो, और उसके बाद अगर कोई लड़की अच्छा कमाती है तो वो उसके पीछे हो जाते हैं। ओ? इतना अभी ज्यादा लड़के चेप हो जाते हैं। बट उस टाइम पे 15 में से चॉइस होती थी, लेना तो एक ही पड़ता था ना। और दूसरी तकलीफ ये है कि जब 15 की चॉइस में आपने 99% गलत ले लिया तो फिर अपने आप को कितना कोसते, आपकी इतनी चॉइस थी मेरे पास फिर भी मैंने गलत ही चुना। बट सर एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे एक साथ ही शक्ति प्रदर्शन हो जाता था, अगर किसी को डांस करवा के देखना है तो वहीं देख लो, अगर सिंगिंग करवा के बड़ा ये स्वयंवर हो रहा है, इंडियन आइडल हो रहा है ये। अच्छा मैं सोचता हूँ सर, कभी कभी ये जो स्वयंवर होते थे तो एक ने जैसे उन्होंने कहा कि एक ने सपोज कोई टास्क रखते थे कि मछली की आंख में तीर मारो या ये करो वो करो, आपकी राजकुमारी से शादी हो जाएगी, तो 50 लोग आए रहते हैं, तो बीवी तो मिली एक को, उसके बाद कहीं और स्वयंवर होगा वो 49 फिर गए होंगे, तो एक दूसरे को फेस कैसे करते होंगे? आपका उधर हुआ नहीं था? नहीं मेरा। घर आके क्या बोलता, पापा मेरा निशाना लगा नहीं। पर इंटरेस्टिंग था किस्सा आपका। नाम क्या है आपका? सुरभि।
आपकी शादी हो गई है? नहीं सर। स्वयंवर की वेट कर रही है? चलिए थैंक यू सुरभि, धन्यवाद। अच्छा मैंने देखा अजय सर, जैसे राजा महाराजा नहीं होते थे पहले, कि राजनर्तकी होती थी एक, जो परमानेंट ही होती थी वहां पे, हमेशा आती थी और रानी कभी गुस्सा नहीं करती थी कि महाराज बड़ा यू डूइंग ये। आज के दौर तो में वही तो वो कह रही थी। हाँ आज के दौर में अगर अर्चना जी अगर परमीत सर घर पे बुलाएं किसी को कि मैंने बैले डांस देखना है, आप तो गर्दन मरोड़ देंगी उनकी। मैं भी साथ में बैठ कर देख लूंगी, एंजॉय कर लूंगी। हर कोई ऐसा नहीं मतलब, हाँ पर हाँ पर वेरी नाइस अर्चना जी, सो स्वीट ऑफ यू। मैं तो पहले कहता था आपके मर्दों वाले शौक है। और कोई हमारे दोस्त जी? नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर सर जी नमस्ते। नमस्ते। मुक्का मुमराट नाव सुबेदार तानाजी मालू सर है। मैं हम लोग उसी उमराट से है जो हमारे भाई है महेश दादा बाजीराव मालू सर है। अच्छा जी। हम अजय सर से कुछ मिलना चाहते हैं जी। प्लीज प्लीज। चलिए मोमेंटो लाया है। अच्छा जी धन्यवाद। काजोल मैम से भी दे। काजोल मैम, ये नरवीर तानाजी मालूश्री की स्मृति चिन्ह है। कपिल शर्मा जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम लोग उसी उमरट के हैं जो देवगन साहब ने जो नाम लिया है मुक्का उमरट, वहाँ के हम 13वें वंशज है मालूसरे परिवार के। वाह। और हमें खुशी है कि ये बरस जो है वो 350वां बरस है जो हम बलिदान दिन शौर्य दिन उमरट में मनाते हैं। ऐसा हो रहा है कि ये 350वां बरस है और आपका 100वां पिक्चर है। बहुत बड़ी एक कॉम्बिनेशन हो रही है। हमको बड़ी खुशी है कि ये पिक्चर पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम कमाने वाली है। आपको दोनों को और ये पिक्चर के लिए मैं बड़ी शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू बेटा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। क्यों आई? क्यों आई है? मैं से सड़ता ही रहता है बस। हाय जी मैं मर गई, मेरे अज्जू कज्जू आए रे। मैंने पहले ही सुन लिया था अज्जू कज्जू आए रे। अरे पुत्र आया आशीर्वाद ले ला मेरा पुत्र मेरा। हाँ नहीं पुत्र आए नहीं मेरी नूर आए नहीं। मुझे पता था अज्जू कज्जू आए रे, मैंने सुन लिया था पीछे। मैंने फटाफट चाय और बिस्कुट ले आई। लो पुत्र खाओ। ऐसे कौन देता है बिस्कुट? ले पुत्र, फिल्मों में जो हीरो ऐसे एंट्री करता बाइक के ऊपर उसका बिस्कुट भी ऐसे ही आता है। मैम ये मेरी बुआ है, कम्मो बुआ, दिल्ली से आई है। मेरी बुआ? क्या तूने बुआ की फ्रेंचाइज खरीदी हुई है? मेरी बुआ, मैं म्यूचुअल बुआ हूँ, मैं सबकी बुआ हूँ। अज्जू कज्जू। अज्जू कज्जू क्या होता है? अजय सर और काजोल उनका नाम। कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे कपिल। शाहरुख खान लगी ना पूरी। मैंने तेरी सारी फिल्में देखी है, तू ऐसे करती थी ना म्यूजिक, फिर वो बेचारा इससे करता था करके। मैंने सारी फिल्में देखी है। अच्छा पुत्र एक बात बता, अजू तू तो पंजाबी है ना पुत्र? हाँ जी। ये बंगाली लड़की है, सच्ची बता तेरे को, घर में सरसों का साग खिलाती कि फिर अपनी बंगाली डिश है वो मूरी घंटो फिर पोस्तो आलू वो तो नहीं खिलाती गई? वो भी तो खाने की डिश होती है। वो तो ये कैसी डिश हुई मोरी घंटो, जिसको खाने में ही घंटों लगेंगे पचाने में कितना टाइम लगेगा? मोरी घंटो। लेकिन अभी पुआ आ गई है, पुआ ने फटाफट आलू के पराठे बना देने हैं, घंटों में नहीं मिनटों में। आई नी मेरी बहू फिल्मों में बिजी रहती है। चल मेरा पुत्र आलू छीलते फटाफट। छील चल मेरा पुत्र। बुआ इतनी बड़ी स्टार है, आलू छिलेंगी वो? तू इतनी बड़ी स्टार है तेरे को करण जौहर छिलवा दे। इतनी बड़ी स्टार है, ऐसे सवाल पूछता है मेरे से? अच्छा पुत्र एक काम कर कप्पू, मेरे को ना फटाफट लाइफ जैकेट का इंतजाम करा दे। क्यों? आए पुत्र इतनी नशीली आंखें, बुआ कहीं डूबी ना जाए। वैसे मैंने नहीं अज्जू से बात करनी। क्यों?
दिल्ली में इतनी बारी शूटिंग होती है, पुआ उधर रहती है, एक बार ही नहीं मुझे मिलने आया। तू पहले जानती है रे सर को? कब तू, मैंने बैग मारना तेरे। जो भी हीरो आता तू जानती, पुआ नहीं जानती, पुआ सबको जानती है। इतना सा होता था, वीना पेंजी मेरी गोद में छोड़ जाया करती थी। कहती थी पेंजी कटा दो। याद है अज्जू, वंस अपॉन अ टाइम पुआ की गोद है। आए, इतना प्यारा लगता था अर्चना पेंजी, व्हाइट डायपर में ऐसे ऐसे चलता था। सच्ची कह रही हूँ कज्जू, छोटा सुल्तान मिर्जा लगता था। अज्जू ऐसे करके डायपर आए नी वहां छिटके जाए। वो तो तेरी फिल्म आई थी ना, फूल और कांटे। ओए होए होए, दोनों बाइकों पे ऐसे खड़े होके मेरा अज्जू ऐसे हाथ डाले पैंट में, ऐसे चश्मा डाल के एंट्री की। लड़कियां तो अर्चना पहनती दीवानी हो गई थी। जिस बाइक पे इसने एंट्री की थी ना, उसकी सीटें चूम चूम के लाल करती। हुआ क्या बोल रही है तू? और क्या नहीं था, कुछ लड़कियां तो इतनी पागल हो गई थी, सिलेंसर को चूम लिया। सच्ची बोलते, लेकिन वो जो तेरा एक्शन था ना, उससे तेरे फूफा को बड़ा नुकसान हुआ। क्यों, क्या हुआ? वो भी एक बार अजय देवगन बनके दोनों बाइकों पे पैर रख के आ रहा था, तो बीच में खंबा आ गया। फिर क्या पुत, खंबा टूट गया। लेकिन एक बात बताओ पुत, उसके बारे में बताया? किसके बारे में? अच्छा नहीं बताया होगा, सॉरी पुत, मुझसे निकल गया। क्या, किसके बारे में? अरे पुत, वही दिल्ली एक बार उसको मेरे घर लेके आया था, क्लोज फ्रेंड कह के मिलवाया, मेरे मुंह से निकल गया। साफ साफ बोलना किसकी बात कर रही है। रोहित शेट्टी। डर गई थी ना रोहित शेट्टी। इसके और रोहित शेट्टी के बीच में गोलमाल चलता ही रहता है। लेकिन एक बात बताऊं पुत्र, तुम दोनों की जोड़ी आए हाय मेरे को बड़ी अच्छी लगती। जब भी मैं इनको देखती हूँ ना पेंजी, मेरे को ना अपनी लव स्टोरी याद आ जाती है। क्या लव स्टोरी थी? जब मेरे अज्जू की फिल्म आई थी ना फूल और कांटे, हम मैं और तेरे फूफा देखने गए थे, हाथ हमने उंगलियां ऐसे फंसा ली नेरे में। ओए होए, वो मुझे देखे मैं उनको देखू, मैं उनको देखू वो मुझे देखे। फिर क्या पुत, फूल चाहे मुरझा गए लेकिन कांटों की चुभन आज भी महसूस होती है। फूफा को आज भी देख लूँ ना, मेरे को एकदम पूरे दिल जले लगते हैं। इतना प्यार है ना कज्जू, हुक्का वो पीते हैं, धुआं मेरे नाक से निकल आता है। आए वो तो। आए, एक और बात बताती हूँ। एक दिन हम सैर करने चल गए, बारिश आ गई, हम दो छाता एक। फिर क्या पुत्र, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। लेकिन एक बात बता दूं, पानी सिर्फ फूफा के घर में कम है, पैसा कम नहीं, पैसा बहुत है, तभी तो मैंने उनसे शादी की है। तो अमीरी देख के शादी की तूने? और वो बात पुत्र ऐसी है कि मेरी जरूरतें बहुत ज्यादा है और मेरे जमीर में भी दम नहीं। मैं कौन सी बातों में लग गई, बच्चे आए हैं पराठे खिलाने। लेकिन एक बात बता दूं, आज अज्जू ने और पुआ के 100-100 हो गए, उसकी 100 फिल्म है, मेरा 100 किलो वेट। तो आज दो खुशियां है। तो पुत्र बहुत बहुत बधाई हो वे 100 फिल्मों की, और बाकी रही ताना जी की बात, वो तो सुपर डुपर हिट है। लाऊ आलू? आलू आए पुत, मेरे अंदर जाके 15 मिनट में आलू वाले पराठे बना देने हैं, और ऊपर व्हाइट मक्खन। फ्रिज से मक्खन निकालो तो पूरा अजय देवगन की तरह अकड़ा होता है। और जब वो मक्खन निकाल के पराठे पे डाल दो ना, तो काजोल की तरह ऐसे फैल जाता है। मैं घोटावट बना रही हूँ। आई नहीं मेरा पुत ताना जी, आई नहीं मेरी नूर रानी, मैं उन्हें बनाती हूँ पुत। चल पुत निकलती हूँ मैं, है मेरा पुत। चलो जी मैम, यहाँ पे हमारे जो दर्शक हैं उनके कुछ ऐसे सवाल हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं, तो वो चाहते थे कि आपसे मैं पूछूं। मेरी ड्यूटी लगा देते हैं। तो आपने बताना कि ऐसा कौन करता है आप दोनों में से, सोते हुए ज्यादा जोर से खराटे कौन लेता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? वाओ, दोनों म्यूट। ओके, तो
सुबह उठते ही सबसे पहले एसी और पंखा कौन बंद करता है? मैं नहीं, एक्चुअली जो बाद में उठे वो बंद करता है। अच्छा, जो बाद में उठे वो बंद करता है। पहले जो उठता है वो तो उठ के चला जाता है ना कमरे से बाहर। हाँ, तो जो दूसरा सोया होता है वो बंद करेगा ना जब वो उठेगा। हमारे उल्टा है, हमारे जो पहले उठ जाता है वो बंद करता है, बिल बढ़ाता है। तैयार होने में ज्यादा समय कौन लगाता है? डोंट लुक एट मी। व्हाट? देखो, औरतों को तैयार होने में मतलब काफी सारी चीजें हैं। हमको साड़ी पहननी पड़ती है, उसको मतलब 15-20 मिनट लग जाते हैं, मेकअप करने के लिए टाइम लगता है, बाल के लिए टाइम लगता है, इतनी सारी चीजें होती है। लेकिन आदमियों को क्या है, मतलब आपने तो मतलब जींस टी-शर्ट पहनी और निकले। हाँ, 10 सेकंड में कपड़े पहन के आप निकल जाओ, लेकिन फिर भी आपको एक घंटा लगता है, तो फिर प्रॉब्लम है ना। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो वी आर एक्चुअली वेल, नहाने में टाइम लगता है इनको तो। अच्छा, ये सब ये पहनने वहनने की बात कर रहे हैं ये लोग कि उसमें टाइम लगता है, जो उससे पहले का जो एक घंटा है जो ये सोचने में कि आज पहने क्या उसका टाइम। कौन ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग कर लेता है? मुझे तो बार्गेनिंग आती नहीं। पर लास्ट टाइम अजय यू वर सेइंग कि काजोल ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी है। हाँ, और आपको बार्गेनिंग होती नहीं। हाँ, और उसमें ये बोलती कि असी मुझे ये कितना सस्ता मिल गया, यू नो, एंड शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट। अगर 20 रुपए की चीज भी हो तो शी इज वेरी एक्साइटेड। आई बिलीव दैट हमारे देश में जो है, मेरे को लगता है एक बार्गेनिंग की प्रथा है। हाँ, अगर आप नहीं बोलोगे कि कितना कम करना है तो ये तो मतलब नॉर्मल होता है ना, कि पूछना ही पड़ता है कि डिस्काउंट के लिए या जो भी है ना। और अगर आपको कोई टिप्स लेने हैं तो अर्चना जी से ले सकती हैं। उस दिन अर्चना जी भी आम खरीद रही थी ना बाहर से, तो बोलता कि मैंने 500 के देने, बोलती नहीं नहीं 100 के, कहता नहीं नहीं मैंने 500 के देने, कहती तू 100 के दे दे, भले ही चूस के दे दे। तुझे कहां से सूझती है ये बात? मैंने एक बंदा लगा रखा आपके पीछे। अच्छा, हॉलीडे पे कहां जाना है ये कौन डिसाइड करता है दोनों में से? ये ही डिसाइड करता है, ज्यादातर मैं डिसाइड। अच्छा, आजकल बच्चे डिसाइड है ना, बच्चे डिसाइड करते हैं। ओके, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में ज्यादा कौन जाता है? मैं। दर्शकों के सवाल समाप्त होते हैं, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन जी, कि अगर लड़ाई होती तो पहले सॉरी कौन बोलता है? जो गलत होता है। पर कोई एक्चुअली जो गलत होता है, शी इज पॉइंटिंग टू यू अजय, जो गलत होता है। नहीं, जो गलत होता है। सर, सुपरस्टार्स के बारे में अफवाहें बड़ी फैलती रहती है ना कुछ, तो हम लोग इकट्ठी कर लेते हैं, फिर जब सुपरस्टार्स हमारे यहाँ पे आते हैं हम उनसे कंफर्म करते हैं, हम बिलीव नहीं करते। तो अजय सर, एक अफवाह आपके बारे में ये है कि आप ज्यादा चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि आपके हिस्से का काजल बोल देती हैं। ये अफवाह नहीं है। अच्छा, एक अफवाह हो कि काजल मैम जिस जिस फिल्म में ऐसे गिरी हैं, जिस भी शॉट में, वो फिल्म हिट होती है, इसलिए आप शूट पे इनके फुटवर के नीचे तेल लगा देते ताकि ये फिसल जाए। नहीं, तेल लगाने के बाद अगर गिरेगी तो तकलीफ तो हमको ही होती है ना, फिर संभालो, ये करो वो करो, तो हाँ, तो ऐसे तेल लगाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ऑटोमेटिकली वैसे ही गिरते रहती हूं। काजल मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपका नाम जल्द ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में दर्ज होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अपने हैंडबैग में सूटकेस से भी ज्यादा सामान डाल लेती हैं। ट्रू, बिल्कुल सच्ची अफवाह है ये। बिल्कुल। अरे सर, अफवाह ये कि जब दूसरे प्रोड्यूसर्स की फिल्मों में आप दोनों काम करते हैं तो अलग अलग वैनिटी मंगवाते हैं, लेकिन जब खुद करते हैं तब एक ही वैनिटी यूज करते हैं। नहीं नहीं, अपनी प्रोडक्शन में तो मैं वैनिटी मंगाते ही नहीं। वाह, ये चीजें सीखने वाली है। अजय सर, कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी। अच्छा, ये अफवाहें हैं, और पर कुछ एक जो एक दो और अफवाहें हैं वो भी मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूँ। कहते हैं कि आप काजल मैम के हस्बैंड जो अजय सर हैं, उनको आप जीजू कह के बुलाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ये अफवाह है और ये अफवाह ही रहेगा। मैं इनको के साथ जीजू जीजू मैं जीजू तो नहीं बुलाता, लेकिन मैं शायद शुरू कर लूं। मैं कल से मैसेज कर लूंगा अजय को कि जीजा जी नमस्कार, ये आपका नया नाम है। इन्होंने जीजू कहना शुरू किया आपको? सवाल क्या था आपका पहले? वो मैंने दोबारा नहीं पूछना। नहीं, एक्चुअली मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अरे
वाले से कहावत ही सुनी, साली आधी घर वाली, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। धुआं धुआं तो क्या, धुआं धुआं करने का क्या इधर? मालूम है कितने मच्छर लोग मरते हैं? बेचारे वो भी तो इंसान है। अरे अरे मच्छर कब से इंसान हो गए? अरे मच्छर भी खून चूसते, आजकल इंसान भी खून चूस रहे ले। आहा। कौन सा इंसान खून चूसता है? सिद्धू जी से पूछो। चल तुम लोग हट, चलो निकलो नाले से पारे जल्दी जल्दी। आ मेरा गिफ्ट किधर है? गिफ्ट मेरे फेवरेट कपल आइलैंड है, तो उनके लिए मैं इस सीजन का सबसे बेस्ट हलवा लाई है मैं, दादर का हलवा। दादर का? दादर का हलवा गाजर का हलवा होता है। दादर से लाई है ना, तो दादर का हलवा ही है। समझा? हमारे दादर में मेरे फादर, मादर, ब्रादर। ये लोग सब यही हलवा खाते हैं। अजय सर कैसे? मैं ठीक हूँ। हेलो सर। हेलो मैम। कैसे? मेरा वो बैग रेडी है, भाग चले क्या? क्या मतलब बैग रेडी है? अरे नहीं, आज इनकी पिक्चर देख रही थी मैं सुबह, दिल वाली। अच्छा। उसमें बोलते आओ सपना भाग चले, मैंने टीवी पॉज किया, मैं सीधा इधर आ गई। तेरा तो है ना छावा मुकेश। हाँ तो मुकेश को डॉक्टर ने भागने से मना किए ले। बैठिए ना सर, मेरे जो मुकेश है ना छावा, हाँ। उसका सांस का प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, और मेरा ससुर का प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला नहीं बाबा, मैं इन्हीं के साथ भागेगी, उससे मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन ये तो शादीशुदा है। हाँ तो लेकिन इनका सांस का प्रॉब्लम तो नहीं ना, भाग तो सकते ना मेरे साथ में। कितने अच्छे लगते हम लोग का जोड़ी देख। इनको झूठ बर्दाश्त नहीं है ना, और मैं सबसे सच्ची औरत हूँ सर। हमारे जोड़ी कैसे लग रहे हम लोग साथ में? मैं सच्ची में अजय सर, मैं बहुत बड़ी फैन है आपकी। आपको मालूम है आपका एक फैन मिला था मेरे को एक हफ्ता पहले। कौन? तो आप पता नहीं वो क्या बोल रहा था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और मेरी कुर्सी ऐसी जगह डूबी जहाँ पानी भी नहीं था, ठोको ताली, ऐसा कोई आदमी मिला था मेरे। कमाल है ना, इसको बोलते हैं किस्मत। ठोकता कोई और रह गया, कैलेंडर कोई और लगा गया। सपना वो तेरी फालतू बातें नहीं सुनने आए, वो अपनी फिल्म की प्रमोशन करने आए यहाँ। हाँ सही बात है, एक बार पिक्चर के लिए जोरदार ताली हो जाए, बहुत मस्त। मैम आपका प्रोम मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त है एकदम। थैंक यू। लेकिन मेरे को कन्फ्यूजन एक बहुत लगा। हाँ। आप इसमें रानी बनी है, और रानी जो है वो आपकी कजिन है, और रानी मर्दानी बनी है, और मर्दानी ये है। तो ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये काज बोले मैडम? अच्छा मैम आप बंगाली हैं और सर पंजाबी है, तो प्यार तो होना ही था। ये क्या बात हुई? तो पिक्चर का नाम ले रही है, आम बात नहीं कर सकती क्या मैं यहाँ पर? नहीं कर सकती। कोई ढंग की बात नहीं है तेरे पास? नहीं आज नहीं है। तेरा क्यू कार्ड चुरा के लाई है मैं पहले। हाँ सर मेरे को आपसे पूछने का था, एक गाना किए थे आप, 16 का डोला 44 की छाती, कौन से टेलर ने लिखा था ये गाना? क्योंकि इतना प्रिसाइज तो वही पूछ सकते हैं। अच्छा अजय सर मेरे को एक और चीज, मैम इनको पैसे से ज्यादा प्यार नहीं है ना? क्यों? नहीं तो बोल बच्चन तू अभी तक बना देते हो। नहीं सच्ची मेरे को आप पब्लिक बताएगी, इतना हिट पिक्चर था कि नहीं? अजय सर प्रोड्यूसर थे उसके। सर आपने 100 करोड़ से ऊपर कमाया कि नहीं? कमाया ना, तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे। तेरे को शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? मैं तो हक्का मांग रही है, मस्त काम के लिए था, पूछ सर को। वो तो तेरे भाई ने किया था। हाँ वही मेरे भाई ने, वो इतना अवार्ड मिला था मालूम है उसको? ओ, कितना? सही बात है।
खैर मेरे को मालूम है अजय सर मेरे को पैसा नहीं देंगे। खैर छोड़ो, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और इनसे क्या शिकायत करे, मेरा मामा क्या कम था। अच्छा मैम, मेरे को आपसे पूछने का था, मैम आपका जुहू पे बंगला है ना, है ना, तो आपके बंगले के आगे अमित जी का भी बंगला है ना, आप लोग ऐसे नेबर है ना, तो ऐसा कभी होता है कि आपके घर पे शक्कर खत्म हो जाती है, आप उनके घर जाते हैं मांगने के लिए, या अमित जी के घर कभी सिलेंडर खत्म हो जाता है, वो आते हैं सिलेंडर दो, ऐसा करते हैं क्या? कैसी बातें कर रही है, बड़े लोग हैं वो, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ तो बड़े लोग क्या रॉकेट पे खाना बनाते हैं क्या? वो लोग भी सिलेंडर पे खाना बनाते हैं ना, मैं इसलिए पूछी, नॉर्मल आज तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर होगा होता है, नॉर्मल में होता है ना ऐसा। खैर मैम मेरा ना आई है ब्यूटी पार्लर, हाँ। तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है, तो आपके लिए खास मसाज है, टेंगो चार्ली आपका पिक्चर आया था ना, टेंगो चार्ली मसाज है मेरे। इसमें क्या होता है? क्या होता है इसमें? क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर को बुलाते हैं, लिटाते हैं, फिर चार्ली को बुलाते हैं। चार्ली आता है, कस्टमर का बॉडी पे तेल लगाता है, लेकिन सिर्फ दो टैंगो का मसाज करता है। ऐसा रहता है हम लोग का। फिर मैम आपके लिए एक और मसाज है, कुछ कुछ होता है मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम, कस्टमर के बॉडी पे तेल लगाते हैं और उसको वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं। फिर क्या? कुछ कुछ होता है कप्पू, तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा। फिर सर हमारे लिए आपके लिए एक और स्पेशल मसाज है, सिंगम मसाज। इसमें उसमें क्या होता है? उसमें क्या करते हैं, कस्टमर को हम लोग लिटाते नहीं है, ऐसा सीधा खड़ा रखते हैं और सीधा खड़े खड़े उस पर तेल लगाते हैं। तो फिर? फिर क्या, उसको ऐसे मसाज करना रहता है ना सिंगम। तो ऐसे लिटा के अच्छा नहीं रहे। खैर मैं चलती है मैम, हमारे इधर बहुत कस्टमर लोग आते हैं, वो आपका राजू है ना, उसका चाचा भी धोने का है मेरे को, वो छोड़ के गए ले। तो मैं चलती हूँ, ये लेके जा दादर का हलवा। काजल मैम एक लास्ट सवाल, जैसे अजय सर को हमने फिल्मों में देखा है, ज्यादा डांस वांस इतना करते नहीं है, लेकिन जब अपने कजन की किसी की मैरिज होती है या पार्टीज होती है तो आपके साथ डांस करते हैं अजय सर? वहां पे भी नहीं। अटेंड करे तो डांस करे ना। अच्छा अजय सर फिल्मों में तो अच्छा काम करते हैं आप सब जानते हैं, लेकिन ये हमारी सोसाइटी के लिए भी बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, जो हमने ये पता लगाया ये अपने NY फाउंडेशन के जरिए, और ये बात मैं इसलिए भी आप सबसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सो ये देख के इंस्पायर होकर आगे आए। मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं सर, प्लीज हैव अ लुक। तो ये NY फाउंडेशन के जरिए बहुत सारे गरीब बच्चों की जो स्टडी है उसकी जिम्मेदारी इस फाउंडेशन ने ली है, NY फाउंडेशन ने। सर वी आर सो प्राउड ऑफ यू, बहुत सारे गरीब बच्चों की पढ़ाई और बहुत सारी गरीब लड़कियों की शादियां जो है हर साल करवाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं लेकिन अगर वो रेंट पे लेके साइकिल रिक्शा चलाते हैं तो उनको अगर वो 500 रुपए कमाते हैं तो 300 रुपए उनको जाके रेंट देना पड़ता है, लेकिन अब ये जो उनको साइकिल रिक्शा भी बहुत सारी बांटी गई है ताकि वो जो भी कमाए उनके घर जाए, और बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं सर, सो प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अजय सर और काजल मैम के लिए। अजय सर थैंक यू सो मच, थैंक यू काजल मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हमेशा ही बहुत मजा आता है जब भी आप आते हैं, और ताना जी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, लव यू शो, थैंक यू सर, लवली मीटिंग यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट चमक है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.